सब्जी होते हैं, बहुत बढ़िया सब्जी होते हैं। इसकी इतनी मस्त सब्जी होती है ना। सुबह सुबह आया बंदर और ये पूरा बैंगन खा गया। और ये देखिए अब कितना क्यूट लग रहा है। आज मैं एक अखरोट आपके सामने निकालता हूँ और ये देखिए ऐसे होते हैं, इनके छिलके अलग हो जाते। और इसका कुछ काम नहीं था, हर वीडियो खराब यही कर रही थी। अब इनमें जहर भी होता है, ये देखिए नीचे से जो काले होते हैं ना उनमें जहर होते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आपका मेरे एक नई वीडियो में। और आप भी देख रहे होंगे मैं कितने दिनों बाद आज वीडियो बना रहा हूँ, है ना। तो आज की दिन की शुरुआत खेतों से हो रही है और सही में यार मुझे भी आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, क्योंकि आजकल ऐसा कुछ टाइम मिला ही नहीं कि मतलब कुछ ब्लॉग बना सकूं, कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग था नहीं। तो मैंने सोचा कुछ वेट कर लेते हैं और आज मुझे लगा कि ब्लॉग बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे, बारिश में भी हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, लेकिन आज भी धूप आ चुकी है देखिए सुंदर। और ये कुछ नज़ारे हमारे गाँव के खेतों का, हमारे खेतों का। और दादी निकाल रही है यहाँ पे सुबह सुबह ये मतलब जो कद्दू के फूल होते हैं और ये है सब्जी के काम आते हैं। इसकी इतनी मस्त सब्जी होती है ना। और आप इन फूलों के अलावा ना इनकी सब्जी बना सकते हैं। इसकी जो मैं गिर गया था अभी, तो इसकी जो बेल होती है ये है ना, इसकी सब्जी बनती है। इसके बाहर के छिलके उतारने पड़ते हैं और फिलहाल वो कम है, इसलिए दादी अपने लिए लगभग एक के लिए काफी है। तो छोटी पत्ते बाबा ना यहाँ की सब्जी बन गई। तो ये फूल की सब्जी बड़ी सुंदर होती है, तो यही फायदा है गांव में रहने का। मतलब चलो कद्दू ना लेंगे कोई बात नहीं, लेकिन हम फूल की सब्जी तो खा रहे कम से कम, है ना। कद्दू ना सही तो फूल ही सही उसके। और बाकी यहाँ पे हमारे काकड़ी की जो बेलें हैं वो भी बड़ी बड़ी होने लग गई हैं। और देखिए हमने पूरे खेत के कॉर्नर में काकड़ी बोई है, नीचे पत्ता गोभी। तो हर खेत के कॉर्नर में आपको यही दिखेंगे, मतलब कद्दू, काकड़ी, और बीच के साइड में जो हमने पत्ता गोभी और ये बैंगन की पौध लगा रखी है ना वही है। और दूसरी दादी भी नीचे खेतों में काम कर रही है वहाँ पे। तो चलिए दादी के पास भी चलते हैं और उसकी बाद वीडियो शुरुआत करते हैं। तो दादी यहाँ पे, दादी खेखन खेमल का, तो ये ताई जी लोगों ने थोड़ा लेट लगाई थी ना गोभी, उसकी वजह से अभी इनके हुए नहीं, लेकिन कुछ कुछ हो रहे हैं। तो हमने थोड़ा पहले लगा दी थी इसलिए हमारे थोड़ा बहुत हो ही चुकी। और चलो बिना किसी देरी के पहले आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है अंकुश, मेरे गांव का नाम है चोपराल गांव, जो पड़ता है टीटगढ़ जिले के चंबा ब्लॉक में, और यह है उत्तराखंड में। तो आज का मौसम का नज़ारा कुछ ऐसा है, ये देखिए सामने पूरे आसमान में बादल ही बादल दिख रहे उस साइड ज़्यादा ही। तो चलिए देखते हैं आज के ब्लॉग में और क्या क्या होता है। तो पिछले साल का दादी का यहाँ पे बैंगन का पेड़ लगा रखा था, लेकिन आज बड़ी मुश्किल से हमने वो बड़ा किया था। और यहाँ देखिए सुबह सुबह आया बंदर और ये पूरा बैंगन खा गया, तो ये बड़ा नुकसान कर गया सुबह सुबह। और इसमें दूसरा लगा है लेकिन वो थोड़ा छोटा है। और दादी इसकी सब्जी बनाने की सोच रही थी लेकिन उससे पहले बंदर ने चपट कर दिया है। हाँ, बीच बीच का खाया, अंदर का छिलका वैसे, बाहर का छिलका वैसे छोड़ दिया। और ये हमारी जिंजर जो कि फूलों से, फूलों को सूंघ के मजे ले रही, वैसे ले रहा होना है क्योंकि ये ढाडू है, ढाडू मेल। और ये गुलाब के सुंदर फूल आ रखे हैं। और हमारे गांव का नज़ारा देखिए कुछ अलग ही रहता है, मतलब सुबह सुबह कुछ अच्छा ही दिखता है। और मेरी बहन देखिए यहाँ पे गोबर ले जा रही है। तो अभी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आज आपसे मुलाकात हुई ना, तो बहुत मन में बहुत सारे वो हैं कि आज सब कुछ दिखा डालूं आपको, लेकिन चलो अब कोशिश करूंगा धीरे धीरे ढंग से ब्लॉग बनाने की, क्योंकि बीच में मैं थोड़ा ब्रेक ले लिया था ना, उसकी वजह से ब्लॉग नहीं बना पाए। और बहुत कुछ दिखाना है बाकी आपको, तो वो आपको आज के ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। तो हमारा सूरजमुखी का पेड़ इतना बड़ा हो गया देखें, लेकिन इसमें मात्र दो फूल आए, एक तो ये है सामने और एक टॉप में लगे, बाकी तो आ रहे, लेकिन इतना बड़ा हो गया पहली बार, हमारे घर बराबर हो गए देखिए। ये तो और टाइम छोटे रहते, इस बार पूरा ऊपर तक पहुंच गए। यहाँ पे अब भुट्टे भी लगने वाले कुछ टाइम बाद, इनमें अब भुट्टे लगना शुरू हो जाएंगे। और देखिए तब बंदर भी बहुत ज़्यादा आएंगे, क्योंकि जब हमारी सब्जियाँ लगना शुरू होती है ना तब बंदरों का आतंक भी शुरू हो जाता है। तो इस सुंदर धूप में चलो पहले मैं नाश्ता कर लेता हूँ। और अभी लगभग सुबह के बज रहे हैं 8,
मम्मी तो घास के लिए चली गई और थोड़ी देर में मुझे भी जाना है, तो कहाँ जाना है वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, पहले मैं नाश्ता कर लेता हूँ। तो दोस्तों अपने घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर मैं निकल पड़ा हूँ घास लेने के लिए और मम्मी पहले से जा रखी है, बस मुझे लेके आना है, तो जल्दी से चलते हैं। और मैं जा रहा हूँ फिलहाल चौखार। तो हमारा घर इस साइड हो गया, ये हमारा गाँव है और इसके इस साइड है चौखार, वो सामने। तो चलिए चलते हैं और बताते हैं मैंने कहाँ जाना है। आज काफ़ी दिनों बाद धूप आई है ना, इसकी वजह से बहुत तेज़ धूप लग रही है और इस साइड क्योंकि ये साउथ साइड है ना इसका मुंह, तो यहाँ कुछ ज़्यादा ही लगती है। और आपको पता होगा कि जिसका मुंह दक्षिण की तरफ रहता है ना, जिस घर का या जिस साइड का, तो वहाँ पे भूत, तो वहाँ पे भूत कह रहा हूँ, तो वहाँ पे धूप सुबह से और शाम तक रहती है, ये मैंने अपने हिस्ट्री में पढ़ा है, तो आपको भी ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो मैंने अभी वीडियो में चेक किया, मेरे कॉलर मुड़े हुए थे जो कि मैंने अब ठीक कर दिया, तो पता नहीं क्या ऐसा अजीब से लगे थे, अंदर को जा रखे थे। तो चलो आपसे बात करते करते मैं आधे रास्ते पहुंच चुका हूं और बड़ा सुंदर नज़ारा दिख रहा है आज का, सामने से दिखागा, सामने से बहुत अच्छा नज़ारा दिखेगा, आपको भी दिखाएंगे। जितनी मैं आगे आगे आ रहा हूं ना, उतना यहां देखिए धूप गायब हो गई और ऊपर काले बादल आ गए। और मैं बताता हूं मैंने जाना कहाँ है, तो ये सामने एरिया है चौखाल का और मैं फ़िलहाल जाऊंगा यहां इस साइड नीचे, तो ये है गुनोगी और अभी जहां से मैं आ रहा हूं ना वो है ये हमारा चोपड़ियाल गांव। तो इस साइड जितना भी एरिया दिख रहा है ये हमारे घर के सामने का एरिया और बहुत ही सुंदर दिखता है। और जितना आप चंबा की तरफ जाते रहोगे ना तो वो ये एरिया है, मतलब सामने आगे आगे जाते रहोगे तो चंबा आएगा, और जितना हम इस साइड को ऊपर ऊपर जाते रहेंगे ना तो ये सुरकंडा का एरिया यानी कि मसूरी रोड शुरू हो चुकी है और मुझे फ़िलहाल वहाँ नीचे जाना है। तो वहाँ से ऐसे ऊपर ऊपर करके यहाँ से फिर जाने मैंने अपने घर। तो समझ सकते हो आपकी मतलब कितना टफ है मेरे लिए, मेरे क्या पहाड़ों की लाइफ ही सबकी ऐसी है, मतलब दिन में 2-2 किलोमीटर तक बोझा लेके घर तक पहुँचाना पड़ता है। तो यही लाइफ है कुछ मेरी और मम्मी की और बाकी हमारे सभी गांव वालों की। तो जल्दी से चलते हैं और आपको सीधे अब घर में मिलेंगे, या नीचे थोड़ा बहुत कुछ दिखाने लायक होगा तो वो भी दिखते। दोस्तों घर पहुंच चुका हूं मैं और आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, मतलब हमारे घर में एक मेंबर बढ़ चुका है। तो वैसे तो मेंबर तो बढ़ ही रहे थे क्योंकि कुत्ते अलग आ रहे हैं, बिल्ली अलग आ रही है, उनके बच्चे अलग आ रहे हैं, तो मेंबर तो ऑब्वियसली बात है बढ़ नहीं बढ़ने, लेकिन एक और मेंबर बढ़ गया और वो कौन है, टन टन, ये देखो हमारी क्यूट सी क्यूट सा थोल्डा थोल्डा ही बोलते हैं हम इसको और गढ़वाली में बोलते हैं इसको कट्या। तो ये हमारा कट्या है और लगभग इसको हुए ना, इसका मतलब जन्म हुए लगभग आज 10 दिन होने वाले, तो वही बड़ा क्यूट है ये देखिए। और मुझे तो बच्चे पसंद है किसी भी के, इंसान हो चाहे बिल्ली हो चाहे कुत्ते हो चाहे भैंस हो, सबके बच्चे मुझे बहुत पसंद है। तो ये न्यू बेबी बॉर्न और इसको पालने का मुझे मन किया क्योंकि ये है मेल और हमारे गांव में या किसी भी गांव में लोग कम पालते इनको, मतलब मैंने जहां तक देखा है। और ये देखिए अब कितना क्यूट लग रहा है और दिन भर ये काफ़ी मस्ती करता है मेरे साथ, वो अच्छा लगता है मुझे, और इसीलिए मैंने कहा कि आपको दिखाना चाहता हूँ और दिखा भी दिया है। तो एक ये नया मेंबर हमारे घर में ऐड हो चुका है। आज काफ़ी दिनों बाद जब धूप आई है ना तो इसको बाहर निकाल दिया हमने, नहीं तो एक दो दिन से लगभग अंदर ही था, अंदर अंदर ही बोर हो चुका था, तो सोचे इसको बाहर निकाल दें और अब ये मस्त धूप सेकेगा बाहर में। लेकिन धूप के लक्षण आज फिर से नहीं लग रहे क्योंकि ये देखिए फिर बादल आ गए पूरे आसमान में, इस साइड से भी लग गए आने और इस साइड तो खैर आ ही चुके हैं। तो दोस्तों बहुत जल्दी अब हमारे अखरोट भी पकने वाले हैं, मतलब इनको तोड़ के अंदर रख देंगे हम, और ये देखिए रिजल्ट आपके सामने है। आज मैं एक अखरोट आपके सामने निकालता हूँ और ये देखिए ऐसे होते हैं, इनके छिलके अलग हो जाते हैं और जो अंदर का माल है ये देखिए ऐसे, तो इसको फोड़ के खाते हैं जरा। आज घर में आपको तरह तरह की चीज़ें खाने को मिल जाएंगी, ये देखिए इसके अंदर कितने मोटे मोटे अखरोट हैं, और जब ये सुखाते हैं ना, सुखाने के बाद ये सूख के और ज़्यादा टेस्टी होते हैं, तो फिलहाल ये कच्चे ही हैं और इनको मैं खाता हूँ। दोस्तों मैं सोच रहा था आज अपने डब्बू को नहलाऊँ, लेकिन 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 धूप भी गायब हो चुकी है और धूप के साथ साथ आज पानी भी नहीं आ रहा, मतलब नल में पानी आता ना तो इसकी अच्छे से जंप ही होनी थी, लेकिन नल में पानी आ रहा है जिसकी वजह से
आज का नहाना कैंसर। तो आज हम एक वीडियो शूट कर रहे थे, मतलब शॉर्ट वीडियो, मैं, अर्चना और अनुज, और छत में। मतलब आप मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हो, बहुत बहुत जल्द आ जाएगी, अभी तो नहीं आई। खैर आज हमने वीडियो शूट की, फिर एडिट करेंगे, टाइम लगेगा थोड़ी, लेकिन सही में मज़ा आया बहुत ज़्यादा। और एक एक शॉट के लिए ना चार चार पाँच पाँच टेक लेने पड़े, और इसका कुछ काम नहीं था। हर वीडियो ख़राब यही कर रही थी, है ना, हर वीडियो खराब यही कर रही थी। इसको कुछ आता नहीं, बस इसको कुछ नहीं आता है, हमेशा वीडियो ख़राब करने से मतलब रहता है इसका। तो चलिए हमने वीडियो शूट कर लिए, और जल्दी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, शॉर्ट वीडियो है तो फनी है, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। तो दोस्तों मैं जा ही रहा था, देखिए यहाँ पे मुझे पहाड़ी मशरूम भी दिख गए। अब इनमें जहर भी होता है, ये देखिए नीचे से जो काले होते हैं ना उनमें जहर होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लगे थे, देखिए एक ये रहा। तो ऐसे उग जाते हैं इस सीज़न में, और फिर इन एरियाओं में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जहाँ पे थोड़ा गोबर वाला एरिया रहता है ना उस जगह पे ज़्यादा दिखते हैं। तो दोस्तों खाना पीना मैंने खा लिया है, और दूसरी बात आज तो सोना भी कहाँ से, बंदर ने इतना बुरा हाल कर दिया ना। और अब तो मौसम भी बदल गए, देखिए फिर से कोहरा लग गया चारों तरफ, अब तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। ऐसे कोहरे में ना बंदर जानबूझ के आते हैं, तो वही है, फिर मैं सो नहीं पाऊँगा, मतलब दिन भर रखवाली करनी पड़ेगी। साथ में मैंने डब्बू को भी यहीं पे बांध दिया, देखिए डब्बू देखो। तो जैसे बंदर आएंगे ना तो यहाँ से उनको भगा देगा, थोड़ा बहुत डर जाएंगे वो। तो थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। लगभग दो घंटे से मैं यहीं पे बैठा हूँ। चलो अच्छी बात ये रही कि बंदर नहीं आए, मम्मी बाहर नहीं निकले, कह रही बंदर भगाए मैं। इसको देखो यहाँ, इसको देखो मेरे सारे के लिए यहाँ पे खड़ा हो रखा, और चारों तरफ फिर कोहरा ही लग गया, मतलब धूप दिन के बाद आई नहीं। मम्मी जा रही है घास के लिए, मेरा काम है यहाँ देखना। तो दोस्तों पानी भी आ चुका है, और आज पानी ना पता नहीं कितने दिनों बाद आए होंगे, मतलब दो तीन दिन हो गए होंगे। फिर बात अगर ये पानी दिन में आता ना, मतलब जब धूप लगी थी, तो आज डब्बू ने भी नहा जाना था, और लेकिन पानी भी ऐसे टाइम पे आ रहा है जब ऐसा कोहरा लगा हुआ है, देखिए। तो अब इतने ठंडे में मैं उसे नहला नहीं सकता, इसलिए क्या कर सकते थे। तो फिलहाल टंकी भरते हैं और कपड़े धोने के लिए, वो भी अब ऐसे कोहरे में मेरा मन नहीं कर रहा, नहीं तो कपड़े भी धोने थे। तो चलो बाकी बर्तन भरते। तो दोस्तों मैं गया था अपने बीच वाले गांव में, और वहां से लेके आई है पेपर शीट, और ये काम आती है रात में, जब जो हमारी ये जितने भी पेड़ पौधे हैं ना उनको जो छोटे छोटे कीड़े काटते हैं, तो उनके लिए ये यूज़ करते हैं। तो इसको मैं बताऊंगा कैसे कैसे यूज़ करते हैं। फिलहाल मैं जा रहा था घूमने, लेकिन यहाँ देखिए कोहरा, देखिए आज कितना भयंकर लग गया, मैं कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। और आज का ब्लॉग भी एंड करता हूँ, क्योंकि रात होने वाली है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। आपसे मिलते ना इंटरेस्टिंग वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय बाय। भाग भाग के आए ना इसलिए थकान लग गई।